हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 टू आपको 10 बताने वाला हूं। तो 6 टू 10 क्वेश्चन नंबर आपको पूरा पूरा सीख के जाना है। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें पहले प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट नंबर सेकंड देख लीजिए, उसको समझिए। पहले उसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और बिलीव करिए, ये क्वेश्चन को मैं ऐसे सिखाने वाला हूं कि आप एक बार सीखने के बाद मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। Because, क्योंकि हम आपको केवल कंसेप्ट बताने वाले हैं। अगर एक बार आपने कंसेप्ट सीख गया तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं या आपके एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है थ्री कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स एड अप 51। तीन कंस्टिट्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है लगातार इंटीजर्स। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट थ्री कंस्टिट्यूटिव इंटीजर मान लेते हैं x है पहला इंटीजर, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। देखिए अगर मान लिया आपका हमारा 2 आ गया तो अगला क्या होगा, 2+1 3 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कंटिन्यू इंटीजर्स हो गए 3, 4, 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में देखते से देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 और 51, अगर इन तीनों को ऐड करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों को ऐड करें तो 51 आएगा। तो x+1 + x+2 इन तीनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। सपोज दैट ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं आपको b है, और ये मान लेते हैं आपको c है। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना। तो देखो यहां पर इनको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा x+x+1 और +x+2 = 51। इतना तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। अब देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी कितने टाइम x है, 3 टाइम, तो लिख दो आप 3x। नंबर को अलग ऐड करना है, वेरिएबल को अलग ऐड करना है, तो कितने हो गए 1, ये हो गए 2, कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो गया 51। अब देखो यहाँ से 3x हो गया और ये वाली वैल्यू क्या प्लस है, तो उधर क्या जाएगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था प्लस होता है तो एक्सचेंज होगा तो क्या होगा बिहाइंड इक्वल पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से 51 और 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा। तो आप देखो कि हम x इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 48 और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कैंसिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ निकल के आप आ जाएगी 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो पहला हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटीजर्स था a, तो क्या आ जाएगा आपका a इक्वल टू क्या था 6, a इक्वल क्या था 6 और 6 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। b इक्वल टू क्या था x+1, तो क्या आ जाएगा 16+1 17, और c कितना था x+2, तो हो जाएगा 16+2, तो अगला नंबर हमारा हो जाएगा 18। तो मैं कह सकता हूं as constitute three constitutive integers are hence three integer are क्या होगा 16, 17 and 18। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि हमारा नोटिफिकेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना तो रहा हूं लेकिन और भी अच्छे से बना बना के आपको ट्रिकी वे में समझाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को जैसा देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 8888 आ रहा, मतलब तीन कंस्टिट्यूट नंबर है उनका अगर मल्टीपल किया जाए सेम क्वेश्चन इसी तरह। देखिए क्वेश्चन में अगर आप क्या ले लोगे, लेट थ्री कंस्टिट्यूटिव नंबर इज
अब नंबर बी क्या नंबर होगा, ए ए ले लिया आपने एक्स, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन और सी आपका हो जाएगा एक्स प्लस टू। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इनका तीनों का एट के साथ मल्टीपल किया जाए, समझ रहे हो, सम ऑफ थ्री मल्टीपल के साथ, तो मतलब देखो एक्स का मल्टीपल कर दो तो एट एक्स प्लस, फिर एट मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना, अगर मैं ऐसा लिखूं तो एट ए प्लस एट बी प्लस एट सी इक्वल टू दिया ट्रिपल एट, ऐसा दिया, ठीक है। तो देखो ए की जगह पर एक्स लिख दिया, बी की जगह पर ए लिख दिया, और सी की जगह पर क्या लिखोगे, सी की वैल्यू लिख दोगे यार, क्या लिखना है, इतना बहुत आसान है, ये होगा, बोलो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, पूरे बहुत सिंपल बता रहे हो सर, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको, इसके बाद आप खुद करना है, एक बार देखने के बाद फिर से आप करोगे, एट एक्स ये होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे कितना हो जाएगा, एट एक्स, भैया ये मेहमान है, गेस्ट है, गेस्ट जब जाता है अंदर ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, प्लस एट करते जाना, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एट एक्स हो जाएगा प्लस सिक्सटीन हो जाएगा इक्वल टू एट 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 हो जाएगा। अब देखो ये और ये इन तीनों को प्लस एक साथ कर दो तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स, और इसका प्लस और इसका प्लस कर दो तो हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर, तो एट एट एट। अब देखो आपका आ गया ट्वेंटी फोर एक्स इक्वल टू एट 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 में एट हंड्रेड एट्टी एट में ट्वेंटी फोर माइनस कर दो, ट्वेंटी फोर जब माइनस करोगे आप तो देखो ट्वेंटी फोर माइनस करने पर क्या आ जाएगा आपका, एट आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ट्वेंटी फोर एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो एट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर, आप ट्वेंटी फोर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ट्वेंटी फोर से डिवाइड करेंगे तो टू से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा, थ्री से करोगे तो आप क्या हो जाएगा थ्री से कर दो, थ्री से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा आपका, देखो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ तो आ जाएगा, देखो एट थोड़ा सा सीखिए आपको कैसे करना, ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर थ्री से करोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्वेल्व, और ये थ्री से करोगे सिक्स और सेवन हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर और यहाँ पे वन और ये फोर हो जाएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए वैल्यू आ जाए, तो देखो जहां पर फोर चाहिए अपने को तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स से कर दोगे सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर और सिक्स जाए ट्वेल्व प्लस फोर कैंसिल होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी थर्टी सिक्स। अब दोस्तों जब हमारा 36 आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हो, देखो a बराबर क्या दिया था, x बराबर कितना आ जाएगा 36, b बराबर क्या दिया था, x प्लस 1 दिया था तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 1 बराबर 37 हो जाएगा, तो c वर इक्वल टू क्या दिया था, x प्लस 2 दिया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, 2 तो हो जाएगा आपका 38, हैंस 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएंगे, कौन कौन से 36 37 एंड 38, ठीक, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन अभी हम, जी हाँ दोस्तों बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर एट, एट में क्या दिया, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीपल टू थ्री एंड फोर दे एड अप इन द 74 फाइंड द नंबर, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर है सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीज थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर को उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व लेट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब थोड़ा सा समझना, इसको आप मान लोगे ए, इसको मान लोगे आप बी और इसको मान लोगे आप सी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल करना है, ए पे मल्टीप्लाई करना है आपको टू प्लस थ्री बी प्लस फोर बी इक्वल टू आ रहा है 74, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई टू करना है, दूसरे वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई थ्री करना है, तीसरे वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई फोर करना है, और इनका सम जो आ रहा है वो 74 आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं टू, ए की वैल्यू क्या लिया आपने एक्स
प्लस थ्री, बी की वैल्यू एक्स प्लस वन और प्लस फोर क्या करोगे एक्स प्लस टू, तो क्या आ जाएगा 74। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 2x 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। अब देखो ये होगा आपका, ये होगा आपका, इनको सबको ऐड कर दो तो 5 4 9x यहाँ पे 3 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 74। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू हो जाएगा 74 माइनस 11, तो आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 63। तो x इक्वल टू क्या जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितना आ गया 7। आपको तीनों इंटीजर्स को आपको निकालना है, तीनों इंटीजर को निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a की वैल्यू आपने क्या लिया था x, x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 7। b की वैल्यू आपने क्या लिया था x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। और c की वैल्यू क्या लिया था आपने x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ये आपके थ्री इंटीजर्स आ गए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एज ऑफ राहुल, राहुल नाम का एक लड़का है और एक अरुण है, आज का रेशियो इतना 29 राहुल और अरुण, मतलब कि राहुल को आज से ले लिया और अरुण को मैंने एच से ले लिया, इन दोनों का रेशियो दिया है 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज, कह रहा 4 ईयर लेटर, अब 4 ईयर लेटर का मतलब होता है बाद में, 4 ईयर लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है 4 साल बाद, तो एक मिनट 4 ईयर लेटर। तो देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो r को मैं क्या ले लूं 5x ले लूं और h को मैं क्या ले लूं 7x ले लूं, ठीक है। ये एज रेशियो दिया हुआ, एज रेशियो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो राहुल और अरुण नाम के दो लड़के हैं, उनका एज का रेशियो दिया है, तो एज रेशियो क्या दिया है, एज रेशियो ऑफ किसका, राहुल और अरुण का दिया हुआ है 5:7। तो यहां पर राहुल को आपने मान लिया लेट 5x है और अरुण को मान लिया आपने 7x है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर, ईयर लेटर, ठीक है। तो 4 ईयर लेटर का मतलब कह रहा 4 साल बाद, 4 ईयर या ऐसा कह सकते हो आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर का मतलब कह रहा है कि अभी मान लो अगर ये है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन दोनों को 4 साल बाद सम किया जाए एज का तो 56 आता है। तो देखो अगर राहुल की एज का करोगे तो 5x प्लस 4 करोगे प्लस सम, अब इसका भी करोगे तो ये भी 4 साल पड़ेगा तो प्लस 4, तो इनका जो एज आ रहा 56 आ रहा, समझ में आ गया। 4 साल बाद क्योंकि 4 साल बाद राहुल की कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4 हो जाएगा और अरुण की एज क्या हो जाएगी 7x प्लस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को सम करना है तो 56 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5x और 7x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू आ रहा 56, तो 12x इक्वल टू आ जाएगा 56 और 8 माइनस हो जाएगा तो आप 8 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे x इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 12, तो हो जाएगा आपका 48 होता, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई, हेंस एज, हेंस एज ऑफ राहुल, राहुल एज ऑफ राहुल निकालोगे तो राहुल की एज का मैंने क्या निकाल दिया था एज ऑफ राहुल आपका आ गया 5x, तो 5x इक्वल टू मतलब 5 इंटू आपका आ जाएगा 4, कितना होगा ये 20 ईयर। और आप अगर निकालोगे एज एज ऑफ अरुण निकालोगे तो अरुण की एज कितना लिया आपने 7x लिया, तो 7 इंटू 4 तो कितना 728 28 ईयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है कि दो बॉयज एंड गर्ल्स का टेस्ट होना है। जैसे स्क्रीन में आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो, तो लास्ट क्वेश्चन भी कंटिन्यू में बता ही देता हूँ, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी जाना नहीं है, इसको भी समझ के जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो देखो क्वेश्चन में 10 नंबर में क्या दिया है, पहले इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास रेशियो दिया है 7:3। तो रेशियो क्या दिया है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है, यहां पर देना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है इन क्लास, ये भी लिख दो पूरा का पूरा क्लास, तो कितना दिया हुआ आपका 7:5। तो अगर ऐसा दिया है तो आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज निकालोगे कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालोगे, गर्ल्स निकालोगे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज है, जो नंबर ऑफ बॉयज है क्या है नंबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन को समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर है, इससे ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले लिख लो ये गर्ल्स कितना ज्यादा है, लिखना मोर देन गर्ल्स कितना, 8 मोर देन की बात कर रहा तो प्लस कर दोगे, किससे ज्यादा गर्ल्स है, अब देखो नंबर ऑफ बॉयज कितना आपका 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 5x और कितना ज्यादा है 8 कर दो, इसको इस साइड लाओगे कितना हो जाएगा 2x, इसको इस साइड करोगे तो माइनस ही हो जाएगा 5x बराबर 8, यहां से आ जाएगा आपका 2x = 8, x = कितना आ जाएगा 8/2, x की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी 4। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जब x की वैल्यू निकल गई, आ गई आपकी, फाइंड आउट हो गई, तो क्या निकालोगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालोगे, बॉयज तो बॉयज कितना दिया नंबर ऑफ 7x इन द सेंस 7 × 4, तो कितने हो गए नंबर ऑफ बॉयज 28 हो गए। एंड क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, गर्ल्स तो कितना दिया 5x इन द सेंस 5 × 4, तो गर्ल्स कितने हो गए 20। अब क्वेश्चन देखो, यहां पर ये आपका आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, तो देखो इन दोनों में, सॉरी यहाँ पे 20 लिखना, इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11-16 पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।